हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित त्रिशा वर्मा में। तो दोस्तों, अभी हम हैं ऋषिकेश में और आज हम आपके लिए ऋषिकेश में एक ऐसा सुंदर कैंप लेकर आए हैं जो बिल्कुल नदी किनारे है। यहाँ आपको रहने के लिए स्विफ्ट टेंट से लेकर एसी कॉटेजेस तक की सभी कैटेगरी मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़कर जानेंगे कि इस कैंप में आपको और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है और इसके चार्जेस कितने रहने वाले हैं और इसकी लोकेशन क्या है। इन सभी बातों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहने की। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, आज जो कैंप हम आपको दिखा रहे हैं इसका नाम है टाइगर रिजॉर्ट। और बात करें इसकी लोकेशन की तो इसकी दूरी दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला से मात्र 10 किलोमीटर की है। इस कैंप तक पहुंचना बहुत ही आसान है। जब भी आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए जा रहे होंगे तो ये कैंप आपको नीलकंठ रोड पर ही मिलता है। इस कैंप की एक खास बात ये भी है कि ये कैंप बिल्कुल रिवर साइड है। ऋषिकेश में ज्यादातर कैंपिंग करने आए पर्यटकों की प्रेफरेंस यही रहती है कि वो जो कैंपिंग करे वो रिवर साइड ही हो। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस कैंप के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये कैंप अंदर से कैसा है। तो जैसे ही आप कैंप के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आप देखेंगे कि इनका बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया है और ग्राउंड एरिया के एक तरफ इन्होंने कैंप बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके एसी कॉटेजेस हैं। यहाँ आप ग्राउंड में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे गेम इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी मिलता है जहाँ पर आप आराम से स्विमिंग भी कर सकते हैं। इस कैंप के अंदर आपको डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, फोर शेयरिंग और फाइव शेयरिंग तक के कॉटेजेस और टेंट मिल जाते हैं। तो चलिए पहले आपको इनके कॉटेजेस और टेंट अंदर से दिखा देते हैं कि वो अंदर से कैसे हैं। तो अभी हम आ गए हैं इनके एक टेंट के बाहर और आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। तो जैसे ही आप टेंट के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आप देखेंगे कि इन्होंने एक डबल बेड लगाया हुआ है और साथ ही में इन्होंने एक सोफा कम बेड भी दिया हुआ है। इस टेंट में आपको एक कूलर और फैन भी मिल जाता है और ये टेंट अटैच वॉशरूम के साथ होता है। वॉशरूम भी इनका काफी नीट एंड क्लीन और स्पेशियस है। इनके पास जो भी टेंट्स हैं वो डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग और फोर शेयरिंग तक के टेंट्स हैं। अगर आप बड़े ग्रुप में आते हैं तो आप इनके ट्रिपल शेयरिंग और फोर शेयरिंग टेंट भी ले सकते हैं, और अगर आप कपल में आते हैं तो इनका डबल शेयरिंग का टेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब टेंट के बाद इनके कॉटेजेस भी आपको दिखा देते हैं कि वो अंदर से कैसे हैं। तो जैसे ही आप कॉटेज के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आप देखेंगे कि इसमें भी इन्होंने एक डबल बेड और एक सिंगल बेड दिया हुआ है और साथ ही में इन्होंने एक सोफा कम बेड भी रखा हुआ है। इसके साथ ही आपको इस कॉटेज के अंदर एक विंडो एसी भी मिल जाता है जिसकी यहाँ गर्मियों में बहुत डिमांड रहती है। इनके ज्यादातर सभी कॉटेज एसी कॉटेज हैं और इन सभी कॉटेजेस के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है जो काफी नीट एंड क्लीन और स्पेशियस है। ऋषिकेश अपनी कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए पूरे देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो ऋषिकेश के बाकी और कैंप की ही तरह इस कैंप में भी आपको जो ये कैंपिंग ऑफर करते हैं वो ऑल मील के साथ होती है। यानी कि आपका जैसे दोपहर 12 बजे का चेक इन रहता है तो सबसे पहले ये आपको लंच देते हैं। लंच के बाद फिर शाम को इनके इवनिंग स्नैक्स, बॉनफायर और म्यूजिक नाइट होती है। उसके बाद रात को आपका डिनर रहता है और डिनर के बाद अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट होता है और फिर सुबह 10 बजे आपका चेकआउट हो जाता है, जहां आप दिन में कुछ गेम्स वगैरह खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। वहीं आप शाम को म्यूजिक, लाइटिंग और स्नैक्स का मजा भी ले सकते हैं। शाम के समय यहां की वाइब कुछ और ही होती है। आप यहां ग्राउंड एरिया में अपने लिए प्राइवेट टेबल लगाकर खाना पीना भी कर सकते हैं।
अगर बात करें इस कैम्प के प्राइजेस की और इस कैम्प को आप घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं, तो इस कैम्प का प्राइस भी बाकी और कैम्प की ही तरह सीजन और ऑफ सीजन में अलग अलग रहता है। अगर आप इस कैम्प को सीजन में बुक करते हैं तो ये कैम्प आपको लगभग 1200 से 1500 के बीच में पड़ता है, और अगर आप इसको ऑफ सीजन में बुक करते हैं तो ये आपको 1000 पे 1200 रुपये पर पर्सन तक मिल जाता है। वहीं अगर इस कैंप के एफी कॉटेज की बात करें तो इनके जो एफी कॉटेज हैं वो सीजन में 1800 से 2000 के बीच में रहते हैं, और अगर आप इसको ऑफ सीजन में लेते हैं तो ये ऑफ सीजन में 1500 से 1600 के बीच में रहते हैं। तो अगर आप इन कैंप को बुक कराना चाहते हैं तो इनकी एडवांस बुकिंग जरूर करा लेना, क्योंकि एंड समय पर ये कैंप आपको अवेलेबल नहीं हो पाते, इनकी बुकिंग काफ़ी पहले ही हो जाती है। तो बुकिंग के लिए मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगी, आप उस नंबर पर कॉल करके अपने लिए ऑन कॉल ही बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ऋषिकेश में एक ऐसी कैंप साइट जो सर्दी और गर्मी दोनों में ही आपके लिए परफेक्ट रहेगी, और ये कैंप साइट बिल्कुल रिवर साइड भी है। तो ये कैंप आपको कैसा लगा इसको हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहने की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।